तो दोस्तों सीधे हम बात करने वाले एवेनी सुपर मार्ट डीमार्ट कंपनी के बारे में, और हम यहाँ पर करेंगे डीमार्ट का वीकली एनालिसिस कि अब नेक्स्ट वीक के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो हमें डीमार्ट कंपनी के लिए ध्यान में रखने हैं, उसके अकॉर्डिंगली क्या पॉसिबल प्राइस एक्शन एंड हमें यहाँ पर जो है वो फिर फर्दर लेवल्स देखने को मिलने वाले हैं। अब देखो दोस्तों, बात अगर हम करें यहाँ पर एवेन्यू सुपर मार्ट डीमार्ट की, तो डीमार्ट के अंदर भी राइट नाउ हमें यहाँ पर जो है वो क्या चलता हुआ देखने को मिल रहा है कि क्वार्टर टू के रिजल्ट्स के बाद जो गिरावट हुई थी उसके बाद स्टॉक के अंदर अभी तक कोई रिकवरी नहीं आई, एंड रिकवरी ना आने के पीछे का रीज़न है टोटली नेगेटिव मार्केट। मार्केट का डेटा भी नेगेटिव है, FIIs भी यहाँ पर जो है वो झोली भर भर के यहाँ पर जो है वो माल बेचने पे बैठे हुए हैं, और इसीलिए स्टॉक के अंदर हमें कोई शॉर्ट टर्म रिकवरी भी यहाँ पर देखने को नहीं मिली आफ्टर अ बिग फॉल फ्रॉम द टॉप लेवल्स। सो नेक्स्ट वीक के लेवल्स क्या कहते हैं, तो 4000 यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट है, 4200 रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस ब्रेक होता है दैट मीन स्टॉक ऊपर बढ़ सकता है, सपोर्ट ब्रेक होता है दैट मीन स्टॉक के अंदर अगेन आपको सेलिंग यहाँ पर जो है वो आती हुई देखने को मिलेगी।